लास वेगास से करीब 83 मील की दूरी पर मौजूद नेवाडा रेगिस्तान है, जो अपनी गोपनीयता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं पर स्थित है एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी रहस्यमय जगह है जो अमेरिका की सरकार ने बनाई है। इस जगह के बारे में यहाँ की सरकार किसी को भी कुछ खुलकर नहीं बताती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस को रखा गया है। खैर बात जो भी हो, लेकिन अभी तक किसी के पास इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको एरिया 51 के बारे में कुछ रहस्यमय बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवाडा के दक्षिण में स्थित है। इस जगह को नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा जाता है। इसी जगह को एरिया 51 कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर सन 1947 में एक यूएफओ ब्लास्ट होकर गिरा था, जिसमें से एक एलियन की लाश बरामद हुई थी। यह एलियन 4 फीट का था और मानव की आकृति का था। एरिया 51 में एलियन के मिलने की खबर दुनिया भर में फैल गई, जिसके कारण अमेरिका की सरकार ने इस जगह को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस जगह पर एलियन के ऊपर रिसर्च चल रहा है, लेकिन किसी के पास भी इसके पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही अमेरिका इस बात को सच बताता है। इस जगह के आसपास जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और गोली मारने का भी आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण एरिया 51 में असल में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को सच्चे साबूत नहीं मिल पाए हैं। हालांकि वहां पर काम करने वाले एक 80 साल के वैज्ञानिक बोयड बुशमैन अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पहले अगस्त 2014 को एलियन की तस्वीर भेजी थी और कहा था कि एरिया 51 और एलियन दोनों ही सच है और वे पिछले कई सालों से एरिया 51 में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे बताया था कि एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। इस रहस्यमय जगह के बारे में लोगों को जानने की दिलचस्पी बढ़ती गई और एक बार फिर से यह रहस्यमय जगह चर्चा में आ गई जब अमेरिका ने 1996 में नेवाडा निजन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा ट्रायल हाईवे रख दिया गया। एरिया 51 इतना खुफिया है कि अमेरिका ने किसी भी नक्शे में एरिया 51 का जिक्र नहीं किया है। सन 2013 में पहली बार CIA ने एरिया 51 के बारे में पुष्टि की और बताया कि यह जगह UFO एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई है। एरिया 51 की तस्वीर लेने की अनुमति किसी भी देश की सैटेलाइट को नहीं है। लेकिन जब सन 1988 में अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब रशिया की सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीर जाहिर की थी। रूसी सैटेलाइट की वजह से दुनिया के सामने पहली बार एरिया 51 की तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों से पता चला कि एरिया 51 में 8 रनवे है और यह अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। एरिया 51 के चारों ओर बाट लगाई गई है ताकि कोई भी इंसान या जानवर इसके भीतर किसी भी समय अंदर ना आ सके। इसके बाहर चारों ओर हथियारों से लैस सैनिक घूम रहे हैं। इस जगह के आसपास रहने वाले सभी लोगों के घर जबरदस्ती खाली करवा दिया गया था। हाल ही में अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 57% लोग ऐसा मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस और UFO को रखा गया है। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से इस जगह की निगरानी की जाती है और इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्रों में सेंसर लगाया गया है जिससे किसी भी हलचल का पता लगाया जा सके। खैर जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया से एरिया 51 को छुपाना चाहता है, इससे एक बात तो पक्की है कि उस जगह पर जरूर कोई न कोई राज छुपा हुआ है जो अमेरिका दूसरों को बताना नहीं चाहता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।